आंखों में सूजन आ गई, माँ से कई दिनों तक बात नहीं हो पाई, फिर भी लड़ते रहे। विशाल कालीरमन जीत हासिल हो गई, पर धरनाजीवी पहलवानों के राजनीति के चक्कर में भारत का प्रतिनिधि बनने का अधिकार हासिल न कर पाए। रेसलिंग मैट पर मैच जीतने के बाद भी अब लड़ना होगा कानूनी लड़ाई। विशाल कालीरमन ने ठान लिया, जाएंगे उच्च न्यायालय। अगर ऐसे ही चलता रहा खेल में राजनीति, तो कोई परिवार अपनी बेटी और बेटे को नहीं बनाना चाहेगा खिलाड़ी। विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल में अगर हारेंगे बजरंग और विनेश तो नहीं खेलेंगे एशियाड। जी हाँ, अपने शुरुआती मुकाबले में दाहिने आंख पर सूजन का सामना करने वाले विशाल कालीरमन एशियन गेम्स के लिए हुए रेसलिंग ट्रायल में 65 किलो में जीत दर्ज की और इस वर्ग में भारत का प्रतिनिधि बनने का अपना अधिकार अर्जित कर लिया। लेकिन इसके बाद भी उन्हें पुरजोर लगाने की बात कही गई। इस वर्ग में बजरंग पुनिया को पहले ही सीधे प्रवेश दिया जा चुका है। 25 साल के कालीरमन ने कहा, मैं बस आज ट्रायल में जीतना चाहता था, अगर आज बजरंग भी होता तो मैं नहीं जीतने देता। मैंने जीतने की ठान ली थी। हम उनकी उपलब्धियों के लिए उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वे जो कोई भी हों उससे जूनियर खिलाड़ियों का करियर बर्बाद हो सकता है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि ट्रायल जीतने के बाद वो 65 किलोग्राम में सिर्फ स्टैंड बाई बनकर रहेंगे। उन्होंने कहा, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, अगर हमें उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हम 15 साल से परीक्षण ले रहे हैं, वे उसे यानी बजरंग पुनिया इस तरह प्रवेश नहीं कर सकते। कालीरमन के माता पिता ने छूट के फैसले को पलटने के लिए हिसार में ओलंपिक भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, हमने बजरंग और विनेश को उनके विरोध में समर्थन दिया था। उन्होंने कहा था कि विरोध जूनियर पहलवानों के लिए, और अब वे जूनियरों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे हमें धोखा दे रहे हैं, हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उनकी माँ राजाबाला ने कहा, मैं कई दिनों तक अपने बेटे से बात नहीं करती, क्योंकि मैं उनकी ट्रेनिंग में कोई खलल नहीं डालना चाहती थी। मैं अपने बेटे को कई सप्ताह महीनों तक नहीं देख पाती, क्योंकि वो सीखने और बड़े मंच पर प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। अब जब उससे ये मौका छीना जा रहा है तो हम क्या करें। ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने विशाल और अंतिम को मौका देने की अपील की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि एशियन गेम्स के लिए कुश्ती महिला और पुरुष वर्ग में IOA द्वारा बनाई गई एड हॉक समिति के निर्देशों द्वारा सिलेक्शन ट्रायल करवाया गया है, जिसने पुरुष वर्ग के 65 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 53 किलोग्राम के खिलाड़ी अंतिम पघाल और विशाल कालीरमन को ट्रायल में जीतने के बावजूद इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि इन भार वर्गों में कमेटी द्वारा पहले ही नाम फाइल किए जा चुके थे। कालीरमन को ट्रायल के लिए जीतने के बावजूद भी इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि इन भार वर्गों में कमेटी द्वारा पहले ही फाइनल हो चुका था कि कौन जाएगा। कुश्ती हिंदुस्तान का वो प्राचीन और विश्वसनीय खेल है जिसके आराध्य भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी को माना जाता है। इसलिए एड हॉक समिति के सभी माननीय सदस्यों से मेरा एक बार आग्रह है कि बिना ट्रायल के नामों को भेजने का फैसला कुश्ती की पवित्रता और विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर करें। विश्व चैंपियनशिप के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में होने वाले ट्रायल में बजरंग और विनेश हारते हैं तो वे एशियाड की टीम से नाम वापस ले सकते हैं। तथार्थ समिति के सदस्य ज्ञान सिंह यह प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। बजरंग विनेश को एशियाई खेलों की टीम में बिना ट्रायल के सीधे प्रवेश दिया गया था। दोनों के भार वर्गों यानी 65 और 53 में विशाल कालीरमन और अंतिम पघाल जीते हैं। ज्ञान सिंह का कहना है कि वो समिति के आगे प्रस्ताव रखेंगे, विश्व चैंपियनशिप का ट्रायल जीतने पर ही बजरंग और विनेश को एशियाड में भेजा जाएगा, वरना विशाल और अंतिम को भेजा जाए। अब देखते हैं कि इस पर सहमति बनती है या नहीं। वैसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, JT न्यूज़।